वैसे तो ये कहा जाता है कि प्याज को काटने से आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन फिलहाल टमाटर के दाम जिस तरीके से बढ़ गए हैं उन्हें सुनकर ही कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ रहे हैं। फिलहाल चंडीगढ़ की थोक मंडी में मौजूद हैं और यहां पर एक किलो टमाटर लेते हैं और देखते हैं कि एक किलो टमाटर क्या भाव है और एक किलो में कितना टमाटर चढ़ते हैं। और अगर रेट की भी बात करें और वजन की भी बात करें तो एक किलो में कितने टमाटर यहाँ पर चढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक किलो टमाटर लिए हैं और इसमें अगर पूरे पीस गिने तो 2, 4, 6, 8 और 10 10 टमाटर एक किलो में आए हैं, यानी कि एक टमाटर की कीमत 8 रुपए हो गई है। और ये मौसम की शुरुआत है, अगर मौसम ऐसे ही बारिश का बनता रहा, सब्जी विक्रेता हमारे साथ मौजूद है, जो टमाटर के दाम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, सेब के दाम को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, क्या वजह है इसकी? ये गर्मी, जो गर्मी पहले पड़ा था उसके लिए फसल खराब हो गया, और दूसरा है बरसात हो रहा, बरसात से और सब्जी महंगा हो सकता है, टमाटर छोड़िए सारी सब्जी महंगा हो रहा। तो क्या आने वाले दिनों में रसोई में जो सब्जी जा रही है वो और महंगी हो जाएगी? हाँ, और महंगी हो गई, गर्मी का कर्ज और बारिश का कर्ज। तो ये जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, दरअसल उसी तरीके से सब्जियों के दाम बदल रहे हैं। अभी शुरुआत टमाटर से हुई है, लेकिन सब्जी विक्रेता ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और सब्जियों के दाम भी आसमान को छू सकते हैं। टमाटर के भाव पूरे देश भर में 100 रुपए किलो को पार भी कर गए हैं या फिर 100 रुपए के आसपास हैं, लेकिन क्या इससे किसानों का कोई फायदा हो रहा है और इसकी असल वजह क्या है? फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, टमाटर के भाव जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, क्या उत्पादन का कोई फेरबदल है या फिर ये एक कहीं ना कहीं कुछ कोई रणनीति है? देखिए, दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर हम देखें पिछले तीन हफ्ते में महाराष्ट्र में किसान जो हैं टमाटर के, वो अपने किसान को सड़कों पर फेंक रहे थे, उनको मात्र 1 रुपए या 2 रुपए पे उन्होंने अपना टमाटर बेचा है। उसके 3 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि कई जगह पे 80 रुपए, जैसे आपने कहा, कई जगह पे 100 रुपए जो दाम है वो क्रॉस कर गए हैं। एक कारण तो चलिए समझ में आता है कि भाई लोकल डिस्टर्बेंसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन की मौसम के अनुकूल हो सकता है, लेकिन दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है कि भाई इतनी वेरिएशन है। अगर यूपी का प्राइस देखें हम आज का, तो आज 24-25 रुपए प्रति किलो होलसेल प्राइस है जो किसान को मिल रहा है। अगर हम बेंगलोर का देखें तो वहां पर तकरीबन 41-45 या 47 इसके बीच में प्राइस चल रहा है। पंजाब का प्राइस अगर हम आज देखें तो पंजाब में 40 रुपए पे टमाटर जो है किसानों के लिए बिक रहा है, विच इज ए गुड साइन। और मार्केट में अगर आप देखते हैं तो रिटेल मार्केट में तकरीबन 60 रुपए से ज्यादा प्राइस हर जगह पे है, बताया गया है कि इतना प्राइस है, लेकिन जो हॉकर्स हमारे घर के बाहर आते हैं या जिनसे हम लेते हैं वो तकरीबन 80 और 100 रुपए का चार्ज करते हैं। इसका मतलब साफ है कि एक रिटेल माफिया जो है वो ऑपरेट करता है। जो इन्फ्लेशन हम एनकाउंटर करते हैं, जिसके ऊपर हमारा हाहाकार मचता है, वो इसलिए है क्योंकि जो हॉकर्स की जो एक 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 रेंज बनी हुई, एक नेटवर्क बना हुआ है, वो प्राइस अपने आप फिक्स कर लेता है। दरअसल मौसम को बहाना बना लिया जाता है कि बारिश का मौसम है, पैदावार पर फर्क पड़ा है और सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आई है। लेकिन अगर इस बात पर गौर करें तो अभी तो मौसम की शुरुआत है, ये तो कई महीने तक बारिश का सीजन अभी तो पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है, तो क्या आने वाले दिनों में जो ये प्राइस है ये और बढ़ेगा? देखिए, जो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा, कहते हैं ना वो एक पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो जैसे ही मौसम में थोड़ी तब्दीली होती है तो हम लोग एक हाहाकार मचा के बताते हैं कि नहीं जी, हमारे हेल्पलेस हैं हम, क्योंकि पीछे से सप्लाई में कंस्ट्रेंट है। लेकिन जहां तक कि पैदावार की बात अगर हम करें तो कहीं भी शॉर्टफॉल नहीं है इस समय देश में, तो ये क्या कारण है कि प्राइसेस इतने जूम कर रहे हैं, ये हमारे सामने है। मेरा कहना है कि एक सेलर्स प्रॉफिट या ग्रीड इन्फ्लेशन जो है सिर्फ कॉरपोरेट जगत को हिट नहीं करती है, वो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हिट करती है। और हमें कंज्यूमर्स, एज ए कंज्यूमर, हमें जानना चाहिए कि हमारा जो रिटेलर हमें सप्लाई करता है वो कम से कम 1/4 जो प्राइस हमें मिलता है, लेट अस से अगर 100 रुपये हमें मिल रहा है टमाटर, तो 25 रुपये वो रेहड़ी वाला ले गया है। और ये हमें जानना बहुत जरूरी है, कंज्यूमर जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो हम रिटेल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक बात तो ये है सर। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई क्या कारण है कि हमारे देश में हम एक सिस्टम नहीं ला सकते कि अगर टमाटर 100 रुपए का है तो किसान को कम से कम 50 रुपए मिले, 50% हम प्रॉफिट जो है या उसका जो शेयर है वो हम कंज्यूमर का जो प्राइस का है वो हम किसान को क्यों नहीं दे सकते? अगर हम ये रिफॉर्म्स लेके आए तो दोनों को फायदा है, किसान को भी और कंज्यूमर को भी।
देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि जिस तरीके से टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं उस तरीके से किसान के जीवन पर और किसान की जेब पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि एक कहीं ना कहीं रिटेल माफिया है जो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है, और इसकी रोकथाम के लिए उपभोक्ता के साथ साथ सरकार को भी जागरूकता के साथ काम करना पड़ेगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली।